सो फ्रेंड्स, इस वीडियो होगा हमारा पार्ट टू वीडियो, एक्सपायर डोमेन कैसे पा सकते हैं आप। सो इसमें भी मैं आपको फ्री मेथड बताऊंगा कि कैसे आप एचआरएफ के ब्रोकर लिंक मेथड से आप हाई क्वालिटी हाई अथॉरिटी का डोमेन एक्सपायर डोमेन आप पा सकते हैं। ओके, बस इस पे आपको एक चीज खरीदना होगा, वो है एचआरएफ। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ कि एचआरएफ का लिंक, ये सबसे बेस्ट साइट है truthjob.com, मैं यूज कर रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ 7 मंथ हो गया है मेरा। सो ये कोई भी ऐसे इशू नहीं है, कभी भी एक बार डाउन हुआ था उनका कुछ टाइम, सो फिक्स कर लिए जल्दी, कोई नहीं। सो आपको बस एचआरएफ कहीं से भी बाय कर लो, अगर ये truthjob.com में बाय करना है, मैं लिंक दे चुका हूँ। सो तो बाय करने के बाद आपको बस साइट एक्सप्लोर में आना होगा, और यहाँ पर आपको बस कोई भी के हाई अथॉरिटी साइट, जैसे मान लेते हैं मैं अभी एग्जांपल के लिए nytimes.com साइट को लेता हूँ। ओके, ये साइट को आपको बस आकर साइट एक्सप्लोर में सर्च करना है, और उसके बाद ये एक बार ओपन होने दो। एक बार ओपन होने के बाद आपको पास ये ओवरव्यू आपको दिखाई देगा, कोई जो भी आप साइट यहाँ पर सर्च करेंगे हाई अथॉरिटी साइट। सो उसके बाद से आपको जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखना है कि जो आउटगोइंग लिंक उसके अंदर है कि ब्रोकर लिंक एक है, सो उसके पास क्लिक करना है। सो ब्रोकर लिंक में जब क्लिक करेंगे, ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा उसे ओपन होने में, ये ओपन हो गया। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,63,079.4 पेजेस विथ ब्रोकर लिंक इतना ही अवेलेबल है। सो आपको बस सिंपली क्या करना है, लिंक टाइप पे यहाँ से डू फॉलो कर लेना है ऑल से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, ये बस थोड़ा सा हो जाए या ओके हो गया। अभी देख लीजिए 155,000 प्लस डू फॉलो जो ब्रोकर लिंक है इनका nytimes.com में है ऑलरेडी। ओके, सो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करना है इसे, ये टोटल फाइल को। सो मैं अभी के लिए कुछ अभी फास्ट होने के लिए मैं बस सिंपली 1000 रो को ले रहा हूँ, फास्ट 1000 रो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो ये एक्सपोर्ट होने में, ये देखिए हो गया फटाफट। सो इसे बस मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो रहा है, ओके ये ओपन हो गया। सो आपको यहाँ पर जो भी है इनका जो रेफरिंग पेज URL यहाँ पर सी कॉलम में जो दिखाई देगा। ओके, सो आपको बस सिंपली इसे टोटल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर ये साइट पे, वेबसाइट seochecker.com/extract-url-to-domain। सो ये इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। सो यहाँ पर आप जाना है डायरेक्ट, वहाँ पर आपको प्रेस करना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो ये जो URL आपने निकला है, जितना भी निकले यहाँ से 1000 जो है, यहाँ से जो बेसिक डोमेन है उनका जो रूट डोमेन है उनको ही निकालना है अभी हमें। ओके, सो अभी क्या करना है, यहाँ पर इंक्लूड कुछ फिल्टर वगैरह यहाँ पे सेट करना है, जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स, कन्वर्ट डोमेन टू लोअर केस कर सकते हैं, शॉर्ट रिजल्ट 0 to Z कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं करना है। ये आपको अगर मौज मैट्रिक्स चेक करना है फ्री में, सो आपको यहाँ साइन अप करना है। सो ये मत कीजिए, इसे आपके लिए मैं अनटिक कर लेता हूँ। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए आप रोबोट नहीं है। सो उसके बाद ओके हो गया, उसके बाद सिंपली फिल्टर पर क्लिक कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लगा, 5 सेकंड 10 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट तक ले सकता है। ओके, ये देखिए हो गया, आपको देखिए इनपुट हुआ था 1489 रिकॉर्ड हुआ था, और आउटपुट 21 रिकॉर्ड टोटल निकाला है ये। ओके, कोई नहीं। सो अभी मैं फास्ट के लिए इसे क्या करूंगा ना, अभी ये टोटल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको बस सिंपली इसे कॉपी करना है, उसके बाद आपको इसमें जाना है namewriter.com/bulk-sorts। यहाँ पर क्या करना है ना, जब भी आप यहाँ से पहले एक्सपोर्ट करना है आपको सारे के सारे URL, ओके जो ब्रोकन लिंक URL है, सो उसको वहाँ से URL से आपको बेसिक रूट डोमेन पे आपको यहाँ पर निकालना है इस साइट से, वेबसाइट seochecker.com में। उसके बाद जो रूट डोमेन निकलेगा वो सारे को कॉपी करना है, यानी तो आप यहाँ से डाउनलोड आज CSP करके आप वहाँ से एक्सपेल फाइल से कॉपी करके नेमराइट में बुल्क सर्च आपको यहाँ पर सर्च करना है। ओके, सो बुल्क रजिस्टर डोमेन मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ओके, जो भी अवेलेबल होगा ये आपको दिखा देगा कि रजिस्टर करने के लिए। ओके, सो ऐसे आप मैक्सिमम टाइम, जैसे जितना टाइम हम करेंगे, जितना ज्यादा डोमेन आप लेंगे उतना यहाँ चाहिए। सो ये कुछ लिख रहा है कि नहीं है, ओके सॉरी दी फॉलोइंग डोमेन, ओके ये 4 डोमेन को निकाला, और भी आप कर सकते, जैसे यहाँ पर मैं थोड़े के लिए आपको दिखाने के लिए कुछ ज्यादा डोमेन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, स्पेसिफिक लेते हैं हम, मान लेते हैं अभी 50,000 का लेते हैं। ओके, नहीं 50,000 बहुत टाइम लगेगा, 2000
2000 यस 20000 हो गया शायद, यस ओके 2000 लेते हैं। सो इससे बोला जाता है ब्रोकरलिंग मेथड। अब जो भी ब्रोकरलिंग है किसी भी के बड़े बड़े ऑथराइज्ड साइट में वहाँ का उसका ब्रोकरलिंग का सारा का सर निकाले, और निकालने के बाद आपको यहाँ से रूट डोमेन निकाले, उसके बाद रूट डोमेन को चेक कीजिए कि कौन सा डोमेन रजिस्टर नहीं हुआ है अभी तक, ओके। और जो डोमेन रजिस्टर नहीं हुआ है उस डोमेन को आप फटाफट उसका ऑथोरिटी वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए HRF के मोज के माध्यम से, यानी तो फ्री मोज के लिए preposteseo.com है वो सबसे बेस्ट है। और भी एक है linkgraph.io, उसका आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और भी है स्मॉल ऐसे टूल्स, ऐसे बहुत सारे रॉबिन गुप्ता की अभी है, सो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए मोज का सब कुछ चेक करने बाद। और उसके बाद वेब एक चेक कर लेना मोस्ट, जैसे मैं पहला पार्ट में बताया था कि क्या क्या करना चेक करना चाहिए, सो आप वो सारे के सारे चेक करने के बाद उसके बाद रजिस्टर कर लेंगे, ओके, अगर अच्छा डोमेन मिला। सो ये दावास ब्रोकरलिंग मेथड मैं आपको बताता था कि वीडियो लंबा नहीं करूंगा इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मेरी ग्रुप में कुछ लोग मेंबर हमारा पूछ रहे थे कि कैसे, यहाँ कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ओके कुछ पूछ रहे थे कि कैसे वो लोग डोमेन जो पा सकेंगे, मतलब जो भी डोमेन वो लोग पाए वो डोमेन कैसे वो कहाँ बेचेंगे, ओके ये थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज शायद लोड नहीं हुआ। सो डोमेन को बेचने के लिए भाई बहुत सारे डोमेन फ्लिपर है, जैसे flipkart.com है, एम्पायर साइट जो है साइट भी बेचा जाता है, डोमेन भी बेचा जाता है, flipkart.com बेस्ट माना जाता है। उसके बाद GoDaddy ऑप्शन भी है, Sedo ऑप्शन भी है, Dyna.com ऑप्शन है, बहुत सारे जितना भी रजिस्टर है उनका मैक्सिमम टाइम क्या होता है डोमेन ऑप्शन भी किया जाता है, चाहे वहाँ पे रजिस्टर करके आप कर सकते हैं। GoDaddy में बेस्ट होता है, GoDaddy में डोमेन सेल करने के लिए मैं भी किया था। सो आपको उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो में लाऊंगा कि कैसे आप डोमेन फ्लिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पार्ट हो सकता है, इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और मैनुअल अगर आप करेंगे तो सो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप वगैरह है और कुछ कस्टम फॉर्म है, जैसे डोमेन कोस्टर ऐसे के .com के .org या ऐसा कुछ साइट है, अच्छा साइट है, वहाँ पर प्रीमियम लोग आते हैं सर्च कर लेते हैं वहाँ पे, यस domainquestors.com, यहाँ पर आप कभी जाकर सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एक्सपायर डोमेन को बहुत अच्छा है, ओके। उसके बाद Sedo में आप फ्री में लिस्टिंग कर सकते हैं, फ्लिपा में $10 पड़ेगा आप लिस्टिंग करने के लिए एक पर जो भी साइट लिस्टिंग करिए या डोमेन लिस्टिंग करने के लिए। और GoDaddy में आपको एनुअली या मंथली ऐसा कुछ प्लान लेना पड़ता है उनका उनका जो मेंबरशिप होने के लिए, कि आप ऑप्शन में मेंबर होने के लिए जो सेल करने के लिए, ओके। सो 300 समथिंग लेंगे, उसके बाद आप आराम से डोमेन आप जितना चाहो मर्जी वहाँ पर लिस्ट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर आप और एक रिक्वेस्ट, अगर आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे ग्रुप में अगर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे चल रहा है, जैसे ये SEO affiliate, YouTube freelancing, जो भी चीज़ है, आप कोई भी तकलीफ है, कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, सब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मुझे, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे जरूर, ओके। सो बस इस वीडियो में इतना ही था, मैं उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ये वीडियो को बस आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, अगर वो और किसी को चाहिए वीडियो देखना जरूर है, क्योंकि ये फ्री मेथड है। आपको मैं पार्ट 3 में बताऊंगा कि पेड मेथड आप कैसे कर सकते हैं, जैसे स्क्रैप बॉक्स हो गया, डॉमकॉप हो गया, और भी बहुत सारे जो पेड चीज पेड टूल के माध्यम से आप कैसे एक्सपर्ट फाइंड कर सकते बहुत इजिली एंड वो बहुत कम टाइम में, ओके। सो ये पार्ट 3 में जरूर बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, स्टे ट्यून्ड।